है ब्यूटीफुल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नारियल के तेल के फ़ायदे और नुकसान, क्योंकि फ़ायदे तो बहुत सारे वीडियोस में बताए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे भी सवाल होते हैं कि क्या नारियल के तेल के कुछ नुकसान है, या फिर नारियल के तेल को चेहरे में लगाने से चेहरे को काला करता है, या फिर इसको चेहरे में लगाने पर चेहरे में बाल आने लगते हैं, या फिर स्किन को नुकसान करता है। इस टाइप की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, या फिर बहुत सारे लोगों की ऐसी थॉट होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि नारियल के तेल को चेहरे में लगाने के क्या फ़ायदे हैं, इसका सही तरीका क्या है। इसके साथ ही साथ आपकी स्किन के अनुसार, यानी अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, या फिर नॉर्मल है, तो आपको इसको कैसे यूज़ करना है। नारियल का तेल, जी हाँ, नारियल का तेल बहुत सारे अलग अलग ब्रांड में आपको मार्केट में मिल जाएगा। जैसे कि खास करके सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है पैराशूट कोकोनट 100% प्योर नारियल का तेल। इस टाइप से आपको बड़ी और छोटी पैकेजिंग में मिल जाएगा। बहुत हल्का ऑयल होता है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं, इतना हल्का होता है कि आपकी स्किन में बहुत ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता है। एंड बात करें इसके यूजेस की, तो इसके जो मेन यूजेस हैं वो लोग अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट हैं। बात की जाए पहले के समय की, तो पहले के समय में कोई मॉइस्चराइज़र, कोई कोल्ड क्रीम, कोई ऐसी क्रीम्स नहीं हुआ करती थी। तो आज भी काफ़ी सारे जो पुराने लोग हैं वो अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ करने के लिए स्किन में क्रीम्स की जगह नारियल के तेल को ही यूज़ करते हैं। तो बात की जाए इसकी खास क्वालिटीज़ की, तो इसमें सबसे पहले तो होता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। इसके साथ ही साथ आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज भी करता है, यानी तो जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपकी स्किन को किसी भी प्रकार के डैमेज से बचाते हैं। सेकेंड, आपकी स्किन में अगर किसी भी प्रकार की स्वेलिंग, खुजली, इचिंग, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो नारियल का तेल अगर आप चेहरे में अप्लाई करते हो तो उसको भी ये ठीक करता है। इसके साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे हैं, किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स हैं, उनको ट्रीट करके आपकी स्किन को इवन टोन करता है, आपकी स्किन के टोन को 1 से 2 टोन तक लाइटन और ब्राइटन भी करता है। तो देखा आपने, बहुत ज़्यादा वर्सटाइल ऑयल है। अब बात करते हैं कि नारियल के तेल को यूज़ कैसे करना है। देखिए, नारियल के तेल के यूज़ करने के कई सारे तरीके। नारियल के तेल को आप किसी भी फेस पैक में मिक्स करके लगा सकते हो, या फिर आप अपने चेहरे में डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन का ध्यान देना। अगर आपकी स्किन यहाँ पर ड्राई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नारियल के तेल का अपनी स्किन में अप्लाई कर सकते हो। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, आपको ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नारियल का तेल लेना है, उसके 4 से 5 बूंदे, यानी तकरीबन आधे चम्मच के आसपास हथेली में रब करते हुए पूरे चेहरे में अप्लाई करके मसाज करना, तकरीबन 5 मिनट के लिए। रात में सोने के पहले आपको ये चीज़ करनी है। एंड जब भी आप इसको करते हो तो आपको अपना चेहरा पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन कर लेना है। ये चीज़ का ध्यान रखें, चेहरे में किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी, गंदगी, मेकअप वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही इसका अप्लाई करें तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले। उसके बाद ड्राई स्किन होने की कंडीशन में इसको अप्लाई करना है, जैसे हमने बताया। उसके बाद पूरी रात के लिए छोड़ देना। अगली सुबह आपको चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश करना। आपको इसको अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब थर्ड जो कैटेगरी है, ऑयली स्किन, जी हाँ, ये ऑयली स्किन वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनकी स्किन ऑयली है, ऑलरेडी स्किन में एक्स्ट्रा ऑयल का सिक्रेशन होता रहता है। तो वो लोग अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने की कंडीशन में उनकी स्किन में पिंपल्स को बढ़ा सकता है, परेशानी को बढ़ा सकता है। उसके बाद अगर वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो नारियल का तेल आपको लेना है, अगर 4 बूंदे, तो यहाँ पर आधा चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करके आपको रात में सोने के पहले चेहरे में मसाज करना है। उसके बाद 20 से 25 मिनट बाद कॉटन से साफ़ कर देना, पूरी रात के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि नारियल के तेल के काफ़ी फ़ायदे हैं लेकिन नुकसान भी। ऑयली स्किन वाले प्लीज़ इसको डायरेक्ट अपने चेहरे में अप्लाई ना करें, एंड इसको बहुत लंबे समय के लिए चेहरे में अप्लाई ना करके रखें। बाद अब हम बात करते हैं इसके नुकसान के। दोस्तों, हर वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, उसके कहीं ना कहीं नुकसान भी होते हैं। वो कौन से हैं? बात करते हैं नारियल के तेल के। तो नारियल के तेल के भी कुछ नुकसान, बहुत ज़्यादा यूज़ किया या फिर गलत तरीके से यूज़ किया, एंड ख़ास करके ऑयली स्किन वाले हो सके तो इसको यूज़ करने से बचे। अदरवाइज़ अगर आप यूज़ भी कर रहे हो, तो जैसे मैंने बताया एलोवेरा जेल में आपको इसको मिक्स करके यूज़ करना है। ऑयली स्किन वालों की स्किन में क्योंकि पिंपल्स की दिक्कत रहती है, तो ज़्यादा यूज़ करने से उनके जो
पोर्स है वो क्लॉग भी हो सकते हैं, ऑयल के कारण पिंपल्स और ज़्यादा हो सकते हैं, दिक्कत और बढ़ सकती है। तो ऑयली स्किन वाले प्लीज़ इसको बहुत सावधानी पूर्वक बहुत कम मात्रा में यूज़ करें एंड बहुत लंबे समय के लिए अपने चेहरे पर ना रखें। साथ इसका तीसरा जो नुकसान, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं नारियल तेल से एलर्जी भी होती है, तो ऐसे लोग भी इस ऑयल को ना यूज़ करें क्योंकि इस ऑयल की एलर्जी के कारण उनकी स्किन की कंडीशन को ख़राब भी कर सकता है। बात करते हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नारियल के तेल को ज़्यादा यूज़ करने से चेहरे में बाल आने लगते हैं। इसमें आप कह सकते हो पूरी तरीके से ये सच नहीं है। बाल हमारे चेहरे में कब आते हैं वो भी कुछ लोगों के चेहरे में आ सकते, कुछ के नहीं भी आ सकते, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इसके यूज़ के कारण हमारे स्किन के जो पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं एक्स्ट्रा ऑयल के सिक्रेशन के कारण। तो कई बार वो हमारे चेहरे में रोम छिद दिखने के कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारे चेहरे में बाल आने शुरू हो गए। तो इस वजह से आपको इसको बहुत हिसाब से यूज़ करना है अपनी स्किन के अनुसार। इसके साथ ही साथ अब अगला जो मिथ है, आप कह सकते हो क्या नारियल के तेल को यूज़ करने से हमारे चेहरे को काला करता है? जी नहीं, ये पूरी तरीके से झूठ, या फिर इसको मिथ कह सकते हो या फिर अफवाह कह सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नारियल का तेल क्या है, कोई भी ऑयल चेहरे पे लगाने से वो बिल्कुल भी उसको काला नहीं करता, इवन आपकी स्किन के टोन को बेहतर करता है, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को 1 से 2 टोन तक लाइटन और ब्राइटन करता है। वो बात अलग कि जितने समय के लिए आप इसको अपने चेहरे में अप्लाई करके रखते हो उतने समय के लिए आपकी स्किन थोड़ा सा डार्क लगती है, क्योंकि ऑफकोर्स ऑयल यूज़ करेंगे थोड़ा तो चिपचिपा हो गई। तो बाकी जब जैसे आप इसको वॉश कर देते हो तुरंत आपकी स्किन से आपको बेहतर रिजल्ट देगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, प्लम बनाएगा। मेल एंड फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं, बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एज के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।